हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूजिस चैम्प्स। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन पॉलीनोमियल्स और कुछ बातें कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से, थोड़ा कर लेते हैं फिर अब आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ सर, तो व्हाट अबाउट द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल? क्या ये पढ़ाया गया रिगार्डिंग द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल्स? नहीं पढ़ाया गया? पढ़ाया गया। अच्छी बात, मुझे याद नहीं था कि पढ़ाया भाई है ने या फिर नहीं पढ़ाया, क्योंकि सर को याद है नहीं। आई थिंक टुडे 23 ना। क्लास 9th मैथ्स। हाँ सर, तो आपको लीनियर पॉलीनोमियल कहते हैं इसको, डिग्री 2 वाले को। थैंक यू फॉर दैट। एंड जीरोस नहीं याद है आपको, रिमाइंडर थ्योरम नहीं याद है आपको, फैक्टर थ्योरम नहीं याद है। और हमने आपसे पूछा है कि इफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 5x⁴ माइनस, मान लीजिए कि 4x² प्लस 5x प्लस 1 इज देयर, देन व्हाट विल इट्स डिग्री? व्हाट विल बी इट्स डिग्री? 4। तो हाउ कुड यू कंक्लूडेड दैट कि भैया 4 ही डिग्री होगा इसका? हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है जो कि इस पॉलीनोमियल में यूज करा गया है, और उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, और उसके कारण से आप उसको डिग्री कहें। तो क्या आप डिग्री का डेफिनेशन नहीं दे सकते? आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते? आप डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने कहा कि सर ये वेरिएबल यहाँ पर कौन है? एक्स है। एक्स में ये एक्स वेरिएबल में ये लिखा गया है पॉलीनोमियल, ठीक है, एक्स को यूज करके, जिसका मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, और दैट्स व्हाई इट्स पॉलीनोमियल का डिग्री कितना है? 4 है। तो क्या आप कैपेबल नहीं है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल? कोशिश कीजिए। आप ही ने तो कहा कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है? 4 है, वही उसकी डिग्री होगी। तो कहिए ना कि भाई द हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ पॉलीनोमियल इज इट्स डिग्री। हो तो गया खत्म, कहाँ कुछ करना है। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं याद? आपको सर रिमाइंडर थ्योरम याद है? साहिल भैया खड़ा जी नहीं याद है? थैंक यू, बैठ जाइए। अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं। सर आपको याद है फैक्टर थ्योरम? जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। अच्छा, तो कैसे निकालिएगा अगर हमको हम पूछना चाहें कि अगर एफ एक्स इक्वल्स गिवेन है 2x² माइनस 7x प्लस 3, कैसे निकालिएगा जीरोज इसके? बताइए, डेफिनेशन मैंने छोड़ दिया, आपने कहा डेफिनेशन नहीं याद है। ओके, नो प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको डेफिनेशन याद हो। अगर आपको प्रोसेस है पता तो बताइए। नहीं, नथिंग इज गिवन हियर, जस्ट यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलीनोमियल। और ऐसे क्वेश्चन में अगर जीरोज निकाल तो और क्या दिया रहेगा? एनीथिंग इज रिक्वायर्ड? नो। आपने कहा डेफिनेशन नहीं याद है, मैंने मान लिया। आगे बताइए सर, लेट मी नो हाउ कुड यू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलीनोमियल। ओके, सिट डाउन। जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल द नंबर विल बी टेकन द प्लेस ऑफ px, विच विल गेट द फाइनल वैल्यू इक्वल टू 0 कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। इसके जीरोस कैसे निकालेंगे? एफएक्स लिए हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके एक नंबर लेंगे जिससे इसका वैल्यू जीरो आएगा। थैंक यू, एनीथिंग इज देयर? वेरी गुड, बैठने के लिए नहीं कहा। सर इसका डिग्री कितना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इट विल हैव कितना हो सकता है? What is the maximum number of zeros it may contain?
थैंक यू, सिटो आनंद। कैसे करेंगे फाइंड आउट इसके जीरोज को, क्या करना होगा उसके लिए? इसके लिए फर्स्ट वी हैव टू सी द वेरिएबल्स थ्री। ओके, देख लिया हमने, टू है। सो इन दिस देयर इज वन जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। हाउ विल यू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल? जस्ट आई वांटेड टू आस्क इट, क्योंकि अगर ये पॉलीनोमियल है हैविंग द वैल्यू जीरो, the variable having the degree 0 is called अभिषेक नाम है आपका? आदित्य। आप हैं आदित्य, आप हैं आविष्कार, ये है जयसवाल। क्या नाम है? यशस्वी जयसवाल, वही हम भी कहना चाह रहे हैं। आप हैं बउआ रोशन, आप हैं आयुष, आपका तो याद है। हाँ सर, तो आदित्य बाबू मुझे आप ये बताइए कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? सॉरी, इसके जीरोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके जीरोज को? ओके, व्हाट आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, एक्चुअली होता क्या है वो? What are the zeros of polynomial? नहीं बताएंगे, कोई बात है, रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे सर। ओके, बैठ जाइए, रोशन भी है, क्या बताएंगे आप? आपने सारा देख लिया, बताइए रिमाइंडर थ्योरम क्या है? जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म एज जीरो। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द जीरो पॉलीनोमियल, आई एम आस्किंग अबाउट जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। इसका जीरोज निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर से रेड पेन लेकर के आओ। नहीं बताएंगे सर, बैठिए सर। आविष्कार, एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू की एक्स की एफ एक्स बोले हो आप, की एक्स बोले हो आप, एफ एक्स बोले हो या एक्स बोले हो? एफ एक्स, वेरी गुड, जीरो रख दिए हम, इसकी वैल्यू जीरो रख दी, ठीक है। आगे बोलिए क्या करें। थैंक यू। आगे बोलिए क्या करेंगे इसके लिए, बैठ जाइए। आयुष्मान, आयुष्मान ही वही, यशस्वी बढ़िया, बताइए क्या करेंगे सर? सर एक्स का सर कोई वैल्यू पुट करेंगे, सर वो जीरो की इक्वल होता है? जीरो होता क्या? सर जीरो पॉलीनोमियल है। हाँ सर, नेट पॉलीनोमियल एक्स। हाँ सर, डेफिनेशन सर याद है, बढ़िया। रिमाइंडर थ्योरम बताएंगे सर इसे आप? रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन बना देंगे ना? आप बोर्ड पे आइए सर, नहीं सर आप आइए सर बोर्ड पे आइए प्लीज़। और अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मान लेते हैं कि जी एक्स की वैल्यू है अपने पास एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस थ्री। चलिए हमको रिमाइंडर निकाल कर बताइए, और इससे इसको डिवाइड करें। आप रिमाइंडर निकाले तो बात करते हैं। हाँ सर, रिमाइंडर थ्योरम जीरोज बताइए। Not right now. Hmm.
इस क्वेश्चन का जीरोज कैसे निकलेगा? छोड़ दीजिए डेफिनेशन को, छोड़िए, इसका जीरोज बताइए। आप कहिए सर। हाँ सर कीजिए, आप बताइए। कीप साइलेंस प्लीज, डोंट टॉक टू इच अदर। हाँ बताइए ना सर, कैसे बताइए, कैसे कीजिए, क्या करें सर? कॉपी में क्वेश्चन लिखे बना के बताइए, कॉपी में क्वेश्चन लिखे बना के बताइए। हाँ सर, कैसे निकालेगा जीरोज? पढ़े हैं सर अब? नहीं पढ़े। थैंक यू जी। कनिष्का जी, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? थैंक यू। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? ओके। व्हाट अबाउट जीरो और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? थैंक यू। उसका जीरोज कैसे निकालेंगे? जो सामने पॉलिनोमियल दिख रहा है 2x² - 7x + 3, उसका जीरोज कैसे निकालेंगे? फैक्टराइज करेंगे। कॉपी में कीजिए, बताइए जीरोज का वैल्यू, बताइए जल्दी कीजिए और जीरोज का वैल्यू बताइए। कॉपी निकालिए, कॉपी में उसको फैक्टराइज कीजिए, जीरोज की वैल्यू बताइए। हाँ दिव्या जी, रिमाइंडर थ्योरम। खुद से बोलियो। बहुत बढ़िया, थैंक यू। फैक्टर सर नहीं सही है यार, क्लैपिंग क्यों किया? हमेशा गुस्सा में थोड़ी होते हैं, बोलो। हो गया। फैक्टर सर बताइए, फैक्टर सर हैव डन। कनिष्का, व्हाट आर द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल? आपके लिए वही है फैक्टर, हम बताइए। कोई बात नहीं, उसका जीरोज आप निकाल सकते हैं। निकालिए कॉपी में, बैठिए और निकालिए। आप बैठे रहो। हाँ दीदी, श्रेया, व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? What is the degree of polynomial? Done. Cube of minus 3, 27. एक मिनट सर, माइनस 27. एक मिनट, माइनस 27, माइनस 26, माइनस 15, माइनस 41, माइनस 41, माइनस 36, माइनस 40, माइनस 76. माइनस 76 प्लस 81.5 जा। कैलकुलेशन में रॉक, कैलकुलेशन गलती है सर आपका? सर सही है। ये नेगेटिव कैसे हो गया सर? यहाँ तो प्लस नहीं माइनस था सर। ये आएगा 405 माइनस 76, दैट मीन्स विल गेट व्हाट? कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 9, मतलब 429 आई थिंक ना, 329। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू, आराम से जाइएगा सर। हाँ इन्होंने अच्छा किया, बहुत बढ़िया सर, रिमाइंडर आपने निकाल दिया, थैंक यू फॉर दैट। चलो कम से कम क्वेश्चन तो बना ले रहे हो, रिमाइंडर थ्योरम नहीं याद है बट क्वेश्चन बना ले रहे हो आप। तो सर यहाँ पर अगर x प्लस 3 था, आप लोग के पास सेंटेंस मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है क्या? अगर x प्लस 3 था तो आपने क्या यहाँ निकाला? f माइनस 3 को रिमाइंडर कहा ना, तो सर ये नहीं बोल सकते सर। यहाँ पर क्या हो, x माइनस माइनस 3, मतलब x माइनस ये यही तो था। अगर एफ एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो एफ ए रिमाइंडर होगा, ये आप नहीं बोल सकते, नहीं बना सकते हो। हम ये कहाँ करेंगे जो हमने लिखा है एकदम लाइन बाई लाइन वही चाहिए? हमें तो नहीं कहा ऐसा। हाँ आप बताइए।
चलिए बढ़ जाइए, बन गया कितना आया? ग्रेट, अब कहा गया खरड़े, बढ़ जाइए बढ़ जाइए, अभी अब बाकी लोग बैठ ही जाए, अभी बढ़ जाइए कनिष्का जी। बाकी लोग अपने अपने हालात को देखिए और फिर से कल वाली बातें इतनी सारी नहीं करेंगे, और कोशिश कीजिए कि उसको समझें और उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है सर? फिर से हम वही करें, हम आपके दुश्मन नहीं है, बढ़ जाइए। रिमाइंडर थ्योरम क्या था? बस हम रिवाइज करवाएंगे और क्वेश्चंस करवाएंगे। डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल, ठीक है, इन अ पॉलिनोमियल। जीरोस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, कौन से वेरिएबल? इन्वॉल्व वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अगर हमें निकालना हो जीरोस, ठीक है, और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस वो किसके बराबर होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बराबर। किसी का डिग्री एन है, देयर आफ्टर दैट विल हैव मैक्सिमम एन जीरोस। क्लियर है बात? ये तो याद रहेगा। दूसरा बात, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, हम ये नहीं कर सकते कि वन बाई वन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये नहीं कर सकते। कितना करेंगे? ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करेंगे, हैं, उठा करके तीन और पटक देंगे, सारा ट्रायल एंड एरर मेथड निकलते रह जाएगा। क्या जी? हाँ, क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। एट फर्स्ट वी विल फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल, मैंने यही कहा था। तो 2, 3 या 6, ये माइनस सिक्स माइनस वन में टूट जाएगा, प्लस 3। हियर वी कैन टेक आउट 2x, इट विल गिव अस x माइनस 3, या माइनस वन ले लो तो इट विल बिकम x माइनस 3। दैट मीन्स वी कैन से x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई इट विल हैव टू लीनियर फैक्टर्स, टू लीनियर पॉलिनोमियल एज अ फैक्टर, ये भी कह सकते हो। देयर आफ्टर यू हैव टू डू नथिंग बट जस्ट पुट एफ एक्स की वैल्यू जीरो, क्योंकि लाना तो फाइनली वही था। तो अब एफ एक्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड 2x माइनस 1 इक्वल्स क्या हो गया? जीरो। सो एक्स की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 3, और यहाँ से हो जाएगी एक्स की वैल्यू प्लस 1/2। मैंने बताया था कि क्या करना है, कॉन्स्टेंट को निगेटिव करना है जो भी है, और अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स, मैंने यही बताया था, अगर याद है तो। ये हो गया जीरोज निकालने के तरीके। नेक्स्ट टॉपिक वॉज वट? अच्छा, मैंने इसमें ये चीज़ भूल गया बताना कि भैया ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि जो उसके एक्सपोनेंट होंगे किसके? इन्वॉल्व वेरिएबल का, उसको आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आप लिखोगे, देयर आफ्टर दैट इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी ये इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा चीज़ क्या है अपने पास? रिमाइंडर थ्योरम की बात करें कि अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स एफ एक्स व्हाटएवर यू से, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स एंड यू आर गोइंग टू डिवाइड दिस वन बाई एक्स माइनस ए, देन यू विल गेट द रिमाइंडर एज पी ए, हो गया। तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट में लिखा था कि लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 से छोटा डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं लेना है हमें, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात नहीं करनी। अगर हम उसको क्या करते हैं, और ए बी एनी रियल नंबर, ये हमने लिखा था, देन इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन यू विल गेट पी एज रिमाइंडर। अब यही मैंने कहा था नॉर्मल नंबर्स का एग्जांपल लेकर के, अगर मान लो 21, यही शायद एग्जांपल भी लिया था हमने, 21 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 1 एज रिमाइंडर, बट द सेम नंबर 21 इज व्हेन डिवाइडेड बाय 3 यू विल गेट रिमाइंडर एज 0। तो रिमाइंडर 0 आया, मतलब एग्जैक्ट डिवीजन हो गया, दैट मीन्स यू कैन से 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21, तभी ना कह रहा हूँ। सिमिलरली हेयर, अगर ये रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ गई, पी ए की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स यू आर गिवन वट अ पॉलिनोमियल पी एक्स। इफ यू आर गिवन अ पॉलिनोमियल पी एक्स, एंड इट इज बींग डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, सो दैट पी एक्वल्स टू 0, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका उल्टा, कि अगर ये फैक्टर है तो पी ए की वैल्यू 0 होगी। इतनी सी बात, और इतना ही पूरा चैप्टर में हमने पढ़ा है, और इतना ही पूरा चैप्टर में पढ़ना है। अब इतना छोटा सा टॉपिक, ये चार लाइन की कहानी, और ये अगर नहीं याद है सर, जस्ट आस्क योर सेल्फ वाट मस्ट यू डू, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये चार टॉपिक पढ़ा करके, अगर ये चार टॉपिक आपको याद नहीं है, उससे बेस्ट क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जिस पे बेस्ट क्वेश्चन हमने कराए हैं, सिंपल सवाल, हमने ये क्यों मंगाया था? ये मंगाया था आपकी कॉपी चेक करने के लिए, कि कब, जब ये कर रहे हो आप, इसमें करो वैल्यू डाल दो। अरे भाई, मतलब आपने क्वेश्चन नहीं किया, अभी हम चेक करेंगे सबकी कॉपी,
आइए सर, सारे लोग का पॉलीनोमियल तो खत्म हो गया होगा ना, आप आजकल डाउट्स होगा, चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन डाउट करेंगे सर. क्या नाम है आपका? प्रांजल. लेट मी नो व्हाट आर योर डाउट्स. गर्ल्स साइड में गर्मी लग रही है क्या? नहीं लग रही ना, ठीक है, नॉर्मल है. नहीं, फैन चाहिए? गर्मी लग रही है, बर्फ के ना बोतल में डाल देंगे तुमको. हाँ सर, पानी पीने के लिए मना कब किए? हाँ पीते रहिए, हम तो कहें कि अपना अपना बोतल लेते आइए, पानी पीते रहिए क्लास भर. अब क्लास छोड़ करके अब बाहर पानी पीने जाइएगा, बाहर बिना बहाने के घूमने जाइएगा, तो घूमिए. जिस पे फोकस कीजिएगा बेटा आपका वही होगा. प्रायोरिटी लाइफ में जिसको दीजिएगा बेहतर वही होगा, इम्प्रूवमेंट वही होगा. आप देख लीजिए किसको देना. हाँ सर, आप क्वेश्चन बोलिए कहीं से है सर? क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ दीजिए ना सर. प्लस माइनस 9. थैंक यू. इज इट विजिबल टू यू? इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? देखो भाई, हमने क्या कहा, लेट पी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर ए माइनस 9. ओके, ये दे रखा है पॉलिनोमियल. और इट इज ऑल्सो गिवन दैट एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. सिंस क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ वॉट? पी एक्स. देयरफोर यूजिंग व्हाट? कौन सा थ्योरम यूज करेंगे बेटा? अब जिसको फैक्टर थ्योरम याद होगा वही तो यूज करेगा, अब जिसको याद ही नहीं होगा फैक्टर थ्योरम वो क्या यूज करेगा? दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी कि भाई फैक्टर थ्योरम याद रहना चाहिए. यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस ए था, x प्लस वन को जीरो से इक्वेट करने की आवश्यकता नहीं, अगर करने की इच्छा तो कर लो, हम नहीं चाहते ये करना. x प्लस वन मतलब क्या होगा, x माइनस, तो x माइनस ए से कंपेयर करो, यू विल गेट ए की वैल्यू कितना, माइनस वन. ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन. तो कह सकते हो यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, पी माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, बोलो. इसमें कोई समस्या है? अगर x प्लस वन से डिवाइड करा गया या फिर ये फैक्टर है तो p माइनस वन जीरो होगा. ये रिमाइंडर थ्योरम में रहता था, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर का वैल्यू p माइनस वन हो जाता, वो जीरो नहीं होता, इक्वल टू जीरो नहीं लिखते, रिमाइंडर का वैल्यू p माइनस वन हो जाता, इतना ही डिफरेंस. अब p माइनस वन का वैल्यू जीरो है तो भैया पी एक्स में जहाँ जहाँ क्या है, एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है. देखे ना, एक्स के जगह पर माइनस वन डाले हैं भैया आप, जहाँ जहाँ एक्स है उसको माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए. अब इसमें क्या ही करना है, जस्ट ए मल्टीप्लाइड क्यूब ऑफ माइनस वन प्लस ए मल्टीप्लाइड स्क्वायर ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाइड टू, सॉरी माइनस टू मल्टीप्लाइड माइनस वन प्लस फोर ए माइनस नाइन इक्वल्स कितना आ गया? क्या कैलकुलेट करने अब नहीं आता आनंद बाबू? क्या समस्या, ये नहीं समझ आए? थैंक यू. क्यूब ऑफ माइनस वन, वन का क्यूब वन होता है लेकिन निगेटिव है इसलिए माइनस हो जाएगा. माइनस वन मल्टीप्लाइड ए इज माइनस ए, स्क्वायर ऑफ माइनस वन इज प्लस वन, प्लस वन मल्टीप्लाइड ए इज माइनस माइनस प्लस, प्लस फोर ए माइनस इक्वल्स जीरो. इज इट एनी डाउट? इज यहाँ है माइनस ए और यहाँ है ए, माइनस ए प्लस ए जीरो, बचा क्या अपने पास, फोर ए माइनस सेवन इक्वल्स जीरो. ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेवन बाई, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होना चाहिए. अब क्लियर है, अभी समस्या है? थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए था, हम कह रहे हैं होना चाहिए था, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन, यू हैव नॉट कंप्लीटेड. नेक्स्ट, हम ये नहीं कह रहे आप नहीं बनाए, आप कह रहे हमने कहा नहीं कंप्लीट किए, आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तो सर और डाउट्स होता अभी हमको पता. हाँ सर, साहिल भैया, हैव यू एनी डाउट? नो सर, थैंक यू. दिव्यम भैया, केशव भैया, आदित्य भैया, हाँ फैक्टराइज. एक्स क्यूब के बाद बोलिए. हाँ सर, माइनस नाइन एक्स माइनस, थैंक यू, बैठ जाइए. इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, और कोई है तो बता दीजिए, आपके पास है सर, बोलिए सर.
ये क्वेश्चन हम बोलेंगे बोलेंगे बता के जाएंगे। ये मिटा दो सर। हाँ सर, नेक्स्ट वन इज अ सेज। सर फैक्टराइजेशन लॉग छोड़ दीजिए, ये वाला भी छोड़ दीजिए। एक्स क्यूब प्लस क्या है 13x² प्लस 32x प्लस 20। एनीथिंग एल्स इज देयर? एनीथिंग एल्स इज देयर? नो। हाँ इसका भाई वी हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन पीएक्स इज गिवन एज 3x⁴ माइनस 6x² माइनस 8x माइनस 2 व्हेन इट इज बीइंग डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अब देखो गिवन क्या है, पीएक्स की वैल्यू इतना, वो देखोगे यहाँ बहुआ सिंस पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, या फिर ऐसे लिख लो कि बाई रिमाइंडर थ्योरम, बाई रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू रिमाइंडर इक्वल्स टू पी टू, क्या हो जाएगा वैल्यू ही तो डालना है ना। सिंस P2 की वैल्यू क्या, Px की वैल्यू इतनी है P2, x की वैल्यू 2 डालो P2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड 2⁴ माइनस 6 मल्टीप्लाइड 2⁴ माइनस 8 मल्टीप्लाइड 2 माइनस 2। क्यूब वाला टर्म नहीं ना था सर उसमें, ठीक। अब होगा क्या हो गया 2⁴ दैट मीन्स 16 मल्टीप्लाई 3 इज माइनस 2² इज 4, 8 टू जा माइनस 2, ये हो गया 40, 42 बचा कितना 6। हेंस द रिमाइंडर या फिर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज, क्या डाउट था सर इसमें, आंसर गलत आया था या डाउट था? थैंक यू, अब नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया आपका, आपका भी हो गया सर। रोशन भैया आप क्या नहीं समझ आया, सामने है सर। अगर x माइनस टू से हमने कहा तेरे डिवाइजर है, डिवाइड करें, डिवाइड करें तभी रिमाइंडर आएगा, ऐसे तो आता नहीं है। किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो तभी कोसाइन और रिमाइंडर आएगा, कहेंगे 5 रिमाइंडर बताओ। हाँ अब 5 से पूछ रहा हो कि 5 को कह रहा हो, पता नहीं चल पा रहे हैं तो। सर अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, हमने यही कहा अगर इसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, ठीक है, तो पी ए क्या होगा, पॉलिनोमियल का रिमाइंडर होगा। कब, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x² माइनस 7x + 5 को डिवाइड कर रहे हैं आप एक्स माइनस 1 से, कितना से सर, एक्स माइनस 1 से, यहाँ पावर 1 है पावर 2 है, कितना जैसे पावर एक्स मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा x² सब्ट्रैक्ट किए ये कैंसिल हो, ये तो ऐड होगा तो माइनस 6x प्लस 5, यहाँ x है माइनस 6 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 से, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको सब्ट्रैक्ट किए सर ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, 5 माइनस 6 इज माइनस 1, रिमाइंडर कितना आया सर माइनस 1। ये इतना काम नहीं करेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस 1 से, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 डाल दीजिए, एक्स माइनस ए से कंपेयर करने पर ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो रिमाइंडर क्या होगा पी वन की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 5। बताइए इतना लंबा चौड़ा काम करने के जब इतना ही करना है, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए, 1 प्लस 5 6 होता है, 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है, इतना ही बात है सर। एनीथिंग एल्स इज देयर? वेरी गुड सर। कौन सा सर? यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड डिटरमाइन सर, डिवाइड कीजिए ना सर, डिवाइड कीजिए सर, और कुछ है तो बोल लीजिए सर। फैक्टर थ्योरम सर, यही रिमाइंडर अगर 0 आ जाता तो ये फैक्टर हो जाता, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं भैया मेरे 6 तो हो जाता 6, 6 में से 6 करता 0 आ जाता,
तो x माइनस वन इसका फैक्टर होता, क्यों? क्योंकि पी एक्स पी वन की वैल्यू, x माइनस वन में वन है a की वैल्यू, पी वन की वैल्यू कितनी होती, यहाँ होती जीरो, यहाँ हो जाती जीरो, तो पी वन की वैल्यू जीरो, इसलिए x माइनस वन उसका फैक्टर। पी वन की वैल्यू अगर जीरो तो x माइनस वन उसका फैक्टर। ये तो हमने कहा था कि अगर पी ए की वैल्यू जीरो आ गई तो x माइनस ए क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिवाइजर ना होकर के उसका फैक्टर हो जाएगा सर, या फिर अगर ये फैक्टर है तो ऐसा होगा, ये हमने कहा था सर। क्वेश्चन करना होगा सर, बिना क्वेश्चन तो थोड़ी होता सर। आप बोलिए, कोई क्वेश्चन पूछिए ना, हम बताते हैं सर। ठीक है सर, रिमाइंडर थ्योरम कब करना था, एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह पहले। थैंक यू। 10 दिन लेट चले जाए जीवन में 10 दिन बाद, हमको लगता है कि आपके जो यमराज जी से वो बात हुई है, यमराज जी से बात हुई कि भैया आप जो उनके दूत हैं, वो क्या नाम उनका, चित्रगुप्त जी को जो है ना, वो थोड़ा सा 10 दिन डिले भेजिएगा मेरे यहाँ, जो मेरा है जिस दिन डेथ करना वो 10 दिन बाद भेजिएगा, आपके लिए एग्जामिनेशन 10 दिन बाद होंगे, सिवसी मेरे ससुर जी आपके बैठे होंगे लग रहे हैं, होने वाले हैं, अगर पापा जी के ससुर जी बैठे होंगे वो बोल देंगे कि भाई मेरा बेटा 10 दिन डिले चल रहा है, तो भैया 10 दिन के बाद एग्जाम लेना, ठीक है। जिनके भी लोग, जिनको भी आप, जिन जो भी अभी तक कंप्लीट नहीं कर रखे हैं पॉलिनोमियल को, सारे लोग पे यही अप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। आप लोग के रिलेटिव हैं वहाँ बैठे हुए ना, वो एग्जाम का डेट ही बदल जाएगा आपके लिए, भाई क्या आप इतना मतलब आप लोग बड़े लोग हो भाई। चलो नेक्स्ट हो गया इधर से आगे, दीदी कनिष्का बोलिए, डाउट बोलिए सर। हाँ इसको निकाल लीजिए पहले, हाँ अब बोलिए। दीदी क्वेश्चन नंबर बोल दीजिए, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर। 2D, अच्छा 2D पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया है दीदी, 21 दिखाइए कॉपी में, 20 दिखाइए, 19 दिखाइए, 18 दिखाइए। चलिए भाई देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x माइनस टू एंड x माइनस वन बाई टू आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ठीक है भाई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और कैसे डाउट हो गया इतने क्वेश्चन के बाद, देखिएगा बिन बनाए वाला डाउट है। पी एक्स की वैल्यू रखी है कितना, बोलो फिर से बोलो, पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस r, ये दे रखा ना, ठीक। और कह रहा है कि भैया सिंस x माइनस टू का x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, तो देयर फॉर यूजिंग क्या फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, बताइए तो फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्या होगा, कौन जीरो होगा, ये तो बता दीजिए। अभी तो बताए हैं पिछली बार, अभी क्वेश्चन अभी बताए ना जी, ये तो बताए, हाँ खड़ा हो जी। x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स है, तो बताइए तो कितना का वैल्यू जीरो होगा, क्या होगा इसके बाद, क्या लिखे यूजिंग फैक्टर थ्योरम, लिखे क्या, अब आप ये दिखाइए कि 2c का क्वेश्चन कहाँ बनाइए, बनाई है 2b बनाई है, यू कैन गो आउट ऑफ क्लास, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के बाद, इस क्वेश्चन को समझने के बाद, मतलब आप इतने तेज हो कैसे गए आप लोग, समझ में नहीं आता हमको, बच्चों नहीं समझ में आता, क्वेश्चंस करेंगे नहीं, काम करेंगे नहीं आप भाई, चलो गुस्सा के हम कर ही क्या लेंगे, अपनी एनर्जी खत्म कर, बैठ जाइए बैठ जाइए। होगा हमको पता है, जब हम भी बात किए कि अगर क्या होगा x माइनस ए पी एक्स का अगर फैक्टर है तो क्या आ जाएगा, पी ए का वैल्यू, तो ए की जगह पे यहाँ पर कितना है 2, जीरो होगा, जहाँ जहाँ x यहाँ डाल दीजिए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ ठीक है चलो यहाँ fx ले लेना बेहतर होगा, क्या है कि यहाँ ऑलरेडी p यूज्ड है, ठीक है ना, दैट्स वाई आई एम टेकिंग fx, ध्यान समझ नहीं कर सकता है, पी एक्स स्क्वायर तो पी इंटू टू स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू प्लस r की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, कोई तकलीफ है नहीं होना चाहिए, 4p प्लस 10 प्लस r की वैल्यू हो गई जीरो,
तो देयरफॉर 4p प्लस आर का वैल्यू हो गया माइनस 10 इक्वेशन नंबर 1। कोई तकलीफ है यहाँ तो? अगेन एक और इसका जीरो है, सॉरी फैक्टर है एंड या फिर अल्सो जो भी लिखना है। सिंस एक्स माइनस 1/2 इज अल्सो अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ओके, तो अगर एफ एक्स की फैक्टर एक्स माइनस 1/2 भी है तो देयरफॉर फिर लिख देंगे यूजिंग व्हाट फैक्टर थ्योरम। क्या हो जाएगा बेटा बोलो? एफ 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 1/2 इक्वल्स 0। ये नहीं समझ में आया? इसी तक समझ में आया? चलिए अच्छी बात है, समझ में आया। तो अगर ऐसा कुछ है एफ 1/2 जहाँ जहाँ एक्स है, ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 × 1/2 हो जाएगा प्लस आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इट कैन बी रिटन एज पी अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस आर इक्वल्स 0। आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो 4, क्या हो जाएगा पी प्लस 10 प्लस 4 आर वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 × 0 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, कितना हो जाएगा पी प्लस 10 प्लस 4 आर, ये वैल्यू कितना हो गया 0। कितना हो गया? तो पी प्लस 4 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? व्हाट? ठीक है, दोनों इक्वेशन को देख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इफ यू कैन सी हियर, यू कैन इजिली ऑब्जर्व दैट बोथ इक्वेशंस हैविंग सेम RHS, द वैल्यू ऑफ RHS इज सेम इन बोथ द इक्वेशंस। देख लो यहाँ भी -10 है, यहाँ भी -10 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का ही वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब देख लो जरा, आर को इधर लिया, पी को इधर ले चलते हैं, तो 4R माइनस आर इक्वल्स टू 4P माइनस पी, कितना बच गया बेटा 3R इक्वल्स टू 3P, 3 से 3 कैंसिल्ड, R इक्वल्स टू, इट वॉज टू प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्लियर है? कुछ करना था नहीं, फैक्टर था, वैल्यू डालना है इक्वेशन। एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट दिव्या, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर, हाँ बताइए। एक सेकेंड, अरे सादे ही था, चेक कर लेंगे, अच्छा देख लेंगे वो क्या था, वो है ना बुक में है। आप बोले क्या बोल रही हैं? एक मिनट, के एक्स क्यूब प्लस के एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स फोर के माइनस 9। हाँ क्या कहना चाह रही है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ दीजिए, कौन है फैक्टर एक्स प्लस 1? ठीक, बैठ जाइए। एक्चुअली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, व्हाट हैपेंड बताइए, हम भी हंस लेंगे। अच्छा अब भाई आप मुस्कुराते हंसते हुए चेहरे वाले हैं, अब मेरा ऐसा गंदा चेहरा थोड़ी लेके पैदा लिया है। चलिए यहाँ देखिए, एफ एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से है और पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस 1, क्या एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर होगा? तो के की वैल्यू तो अपने को पता नहीं, तो हम मान लेंगे कि एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर है। क्या करें दीदी अब, यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 इसका फैक्टर ही हम मान लेंगे। लेट एक्स प्लस 1 बी अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ओके, तो देन यूजिंग बहुआ यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? यहाँ एक्स प्लस 1 है, दैट मीन्स एक्स माइनस तो एफ माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी लड्डू। आप खा लीजिएगा क्या? चलिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस 1 डाल लीजिए। के मल्टीप्लाइड क्यूब ऑफ माइनस 1 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 1 माइनस 8 मल्टीप्लाइड माइनस 1 प्लस 4 के माइनस 9 इक्वल्स।
क्यूब ऑफ माइनस वन इज नेगेटिव, मतलब माइनस वन मल्टीप्लाइड के इज के माइनस के, प्लस वन प्लस एट प्लस फोर के माइनस नाइन इक्वल्स जीरो. एनी डाउट इन दियर? एनी डाउट इन दियर? जिंदगी ये डाउट में है तो देख लो डा. माइनस के प्लस फोर के इट विल बी थ्री के. वन प्लस एट नाइन माइनस नाइन क्या हो गया जीरो इक्वल्स जीरो. तो के की वैल्यू जीरो अपॉन थ्री मीन्स एस कीजिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी. ठीक है, मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस नाइन. इसका एक फैक्टर होगा एक्स माइनस नाइन, दूसरा होगा एक्स प्लस वन. व्हाट हैपेंड? हाँ एनीथिंग यू सी देयर? जी बोलिए. एक सेकेंड बेटा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर. आगे बोलिए. एक्स माइनस सिक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस सिक्स हैज हाँ एक्स प्लस टू एज अ फैक्टर. एक्स प्लस टू हाँ एंड लीव रिमाइंडर फोर व्हेन डिवाइडेड बाय हाँ भाई ये अच्छा वाला क्वेश्चन है. और जरा ध्यान से देखोगे इट इज सेड देयर. मान लो कि एफ एक्स की वैल्यू हमने मान ली एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स. हो सकता है ये कईयों के क्वेश्चन अभी डाउट हो या फिर आगे डाउट हो जो बनाएंगे. तो इट इज गिवन दैट एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल. क्लियरली दे रखा कि ये क्या एक्स प्लस टू क्या है फैक्टर. तो सिंस एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स तो क्या हो जाएगा बेटा? देयर फॉर यूजिंग फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा? एफ माइनस टू जीरो हो जाएगा. कितना हो जाएगा? अब देखो अगर एफ माइनस टू की वैल्यू जीरो आ जाती है सारी जगह माइनस टू डाल देंगे. ए मल्टीप्लाइड क्यूब ऑफ माइनस टू कितना हो जाएगा? माइनस एट. डायरेक्ट कर रहे हैं अब टाइम नहीं है. माइनस एट है, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस फोर बी माइनस टू माइनस सिक्स इक्वल्स जीरो. तो जरा देखना माइनस एट ए प्लस फोर बी माइनस एट इक्वल्स टू जीरो. सारे के सारे टर्म फोर से डिविजिबल है, सारे के सारे टर्म फोर से डिविजिबल है. डिवाइड कर दो माइनस टू ए प्लस बी माइनस टू इक्वल्स जीरो. यू कैन से या फिर रहने दो माइनस टू ए प्लस बी इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर कह सकते हो. अगेन सिंस when f(x) is divided by कितना x माइनस टू जल्दी देख लीजिए माइनस टू रिमाइंडर इज फोर बिकम्स एज रिमाइंडर फोर बिकम्स एज तो देयर फोर बाय रिमाइंडर या फिर लिख दोगे डिवाइडिंग ये देख लो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या हो जाएगा p 2 की वैल्यू रिमाइंडर होती और उसकी वैल्यू कितनी है डायरेक्ट भी लिख सकते हो. p 2 की वैल्यू कितनी है 4 है. नहीं समझ में आया क्या? अब p 2 की वैल्यू 4 के होने का क्या मतलब हो गया? जहाँ जहाँ 2 है तो यहाँ 8a प्लस 4b प्लस 2 माइनस 6 की वैल्यू 4. 8a प्लस 4b ये हो गया माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 तो बराबर हो जाएगा प्लस का 8. ये बेटा हो जाएगा 2a प्लस बी बराबर का 2 इक्वेशन नंबर 2. यहाँ देख लो तो माइनस 2a है और यहाँ क्या है तो 2a में माइनस 2a जोड़ देंगे तो जीरो नहीं आ जाएगा. तो बस एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा जीरो हो जाएगा. तो b प्लस बी कितना हुआ इक्वल्स 2 है माइनस यहाँ भी 2 है 2 और 2 कितना हो गया 4. तो b का वैल्यू कितना हो गया इसकी वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो मान लो यहाँ डाल दो तो 2a की वैल्यू 2a प्लस 2 बराबर कितना हो गया 2 और 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 2a की वैल्यू कितने जाएगा जीरो. तो a की वैल्यू यहाँ लिख देना अपना पुटिंग बिकॉज टू 2 इन इक्वेशन सेकंड हो गया. एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट नहीं छोड़ दो उसको आगे. हाँ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स हाँ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस
माइनस थ्री हाँ एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस टू हाँ सो दैट पी एक्स इज नॉट अ मल्टीप्लाई एक्स जी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस टू हाँ सो दैट पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स मतलब जी मतलब हो गया कि इसका फैक्टर नहीं है जी एक्स उसका फैक्टर नहीं है थ्री का मल्टीपल फाइव नहीं है मतलब फाइव का फैक्टर थ्री क्लियर सा मतलब तो भाई कुछ नहीं करो एक्स की वैल्यू यहाँ टू डालो फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए एफ टू की वैल्यू जीरो होनी चाहिए टू डालने पर इसकी वैल्यू जीरो होना चाहिए नॉन जीरो आएगा तो फैक्टर नहीं है तो फैक्टर नहीं तो मल्टीपल उसका उल्टा नहीं है क्लियर है मेरी बात टू का क्यूब कितना होता है एट माइनस टू का स्क्वायर फोर फोर फाइव जै ट्वेंटी टू फोर जै एट माइनस थ्री एट एट सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी थ्री कितना आ गया माइनस सेवन दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो एफ टू की वैल्यू निकाल लेना सीधा लिखोगे जी एक्स इज या फिर एफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स ओनली व्हेन एफ टू इक्वल्स टू जीरो नाउ सिंस एफ टू इक्वल्स निकाल करके माइनस सेवन विच इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स सॉल्व करके बताएं या फिर हो जाएगा एक सेकेंड बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन हाँ देन प्रूव दैट ए इज इक्वल टू एन माइनस क्यू बाय रहने दो चलिए एक्स प्लस ए क्या है भैया फैक्टर है दोनों का ठीक है तो फैक्टर है तो यहाँ मान लीजिए कि ये एफ एक्स है और ये पी एक्स है कोई तकलीफ पी एक्स नहीं लेते हैं एफ एक्स है जी एक्स ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर ये फैक्टर है इसका बेटा एफ माइनस ए जीरो होगा सिंपल सा लॉजिक माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर पी इंटू माइनस ए तो माइनस पी ए प्लस क्यू इसकी वैल्यू कितनी होगी जीरो रन दीजिए यहाँ पर देखिएगा माइनस तो ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी जीरो तो दोनों का राइट साइड इक्वल है लेफ्ट साइड भी इक्वल कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन की वैल्यू हो जाएगी इक्वल और यहाँ भी है ए स्क्वायर यहाँ भी है ए स्क्वायर अपने अपने घर गया तो बेटा इसको ले आइए इधर इसको ले जाइए उधर पॉजिटिव हो जाएगा तो क्यू माइनस एन की वैल्यू इसको लेफ्ट साइड लाए इसको राइट साइड ले गए तो पी ए पॉजिटिव हो जाएगा एम ए निगेटिव है दोनों में क्या कॉमन है ए पी माइनस क्या बचा एम इधर क्या बचा क्यू माइनस एन तो ए की वैल्यू क्या बची क्यू माइनस एन बाई पी माइनस एम यही प्रूफ करना था yes. हो गया और दीदी माइनस कॉमन कर लीजिए माइनस कॉमन कर लीजिए तो यहाँ निगेटिव कॉमन यहाँ माइनस कॉमन कर दिए माइनस पी माइनस माइनस अपने घर चला गया थ्री बाई टू और माइनस थ्री बाई माइनस टू बात तो एक ही है नहीं है थ्री बाई टू माइनस थ्री बाई माइनस टू हो गया जी इसी तरह हाँ 731 हो गया वो आना है क्या आपको तुम लोग बोलते हो तुम लोग जल्दी 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 बोलो क्वेश्चन नंबर ये वाला एफ एक्स इतना yes. कल बता दे सिमिलर है एक्स माइनस वन इसका क्या डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन रिमाइंडर इतना और इतना आता है तो यहाँ पी वन एफ वन हो जाएगा फाइव और एफ माइनस वन हो जाएगा माइनस नाइनटीन डाल के देखना बनेगा ठीक है कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल मेरा क्लास है क्या होना चाहिए सर ठीक है बाकी हाँ प्राची का क्या क्वेश्चन था अभी आपको रुकना है ना पापा आएंगे तब ना जाइएगा देख लीजिए चलिए ठीक है नेक्स्ट डे बाकी रेस्ट क्वेश्चन करते हैं जिनका बच गया ये फैक्टराइजेशन बहुआ जिसका फैक्टर वाला था यहाँ देखो बहुआ ये क्वेश्चन किसका था या फाइव का फैक्टर कौन कौन है प्लस माइनस वन प्लस माइनस फाइव चारों में से किसी एक वैल्यू के लिए तुम्हारा जीरो हो जाएगा होगा तो तीन वैल्यू के लिए लेकिन किसी एक वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगा तो जिस वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जीरो होगा एक्स में से उसको घटा के लिख लोगे तो वो फैक्टर हो जाएगा उसे डिवाइड कर लोगे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर लोगे क्वेश्चन हम क्लास में कराए थे ट्राई करना होगा तो ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए टाटा बाय बाय करेंगे रेस्ट ऑफ डाउट्स नेक्स्ट क्लास में